हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता तिवारी। आई एम फ्रॉम नवगुरुकुल बेंगलोर कैंपस। आई एम परसुइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज़ हैकाथॉन इन नवगुरुकुल। सो नवगुरुकुल में जो हैकाथॉन होता है वो आपका टास्क डिपेंड होता है, जिसमें आपको एक टास्क दिया होता है जो आपको एक लिमिट ऑफ टाइम में कंप्लीट करना होता है। तो बेसिकली हैकाथॉन कितने भी टाइम का भी हो सकता है, 12 घंटे का, 24 घंटे का और 32 घंटे का, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर टास्क। सो हैकाथॉन में बेसिकली रियल टाइम प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम जोमैटो ऐप हो गया, फेसबुक का पेज हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं और बहुत सारे ऐप होते हैं जिन पर हमें काम करना होता है। तो ऐसे टास्क को जल्द से जल्द टाइम लिमिट में पूरा करने के लिए हमें हैकाथॉन करना होता है। तो उस हैकाथॉन में आपको एक टास्क देते हैं और उस टास्क को आपको कंप्लीट करना होता है। सो अब हम कहते हैं कि वाई वी आर डूइंग हैकाथॉन। सो हम इसलिए हैकाथॉन करते हैं कि जिससे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आपको वो एक टास्क देते हैं जो आपको एक टाइम ऑफ लिमिट में पूरा करना होता है। तो जैसे कि वो भी आपको कोई टास्क दे सकते हैं जो कि बहुत हार्ड भी हो सकता है। सो उसके लिए कंपनी वाले भी आपको हैकाथॉन करने को बोलते हैं। वो और बड़े बड़े हैकाथॉन भी होते हैं। तो नवगुरुकुल में हैकाथॉन करने का मतलब ये है कि आप पहले से प्रिपेयर किए जाते हैं यहाँ पर कि आप आगे के जितने भी टास्क वगैरह होंगे, कंपनी में जॉब करते समय आपके बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होंगी, सो आप पहले से उन्हें हैंडल करना सीख सकें। सो ये इम्पोर्टेंस है हैकाथॉन करने का। तो हम इस हिसाब से हैकाथॉन करते हैं कि और नवगुरुकुल में भी हम बहुत सारे हैकाथॉन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो जैसे कि हमें भी कुछ टास्क मिल चुके हैं काम करने को, तो मुझे भी बहुत सारे टास्क मिले हैं, मैंने भी हैकाथॉन में किए हैं। और ज़्यादातर मिनिमम टाइम हैकाथॉन का 12 घंटे से लेकर 24 घंटे का भी होता है और 32 घंटे का भी होता है, पर नाउ डेज वी आर डूइंग फॉर ओनली 12 आवर्स। सो धीरे धीरे हम अपनी स्ट्रगल करने का वो भी बढ़ा पाते हैं, तरीका भी बढ़ा पाते हैं, और हमें बहुत सारी कैपेसिटी मिलती है चीज़ों को हैंडल करने की। तो जैसे कि अभी हम क्या करते हैं कि हैकाथॉन करते हैं, एक महीने में एक बार या फिर एक महीने में दो बार भी करते हैं, और आपको उस हिसाब से टास्क दिया जाता है और आप लिमिट ऑफ टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो अब जैसे कि अब आगे बताते हैं कि हम हैकाथॉन किस किस टाइप के हो सकते हैं और सिलेबस से रिलेटेड हो सकते हैं, कोडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो पहला मतलब कि वो आपको अपनी तरफ से कोई टास्क या प्रोडक्ट बनाने को देते हैं इन कोडिंग ओनली। तो जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट दे दिया, जैसे कि जोमैटो का एक आपको पेज बनाना है और आपको वो जोमैटो का ऐप जो पेज होगा उसका फ्रंट पेज, उसको आपको 12 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। तो इसलिए हम हैकाथॉन करते हैं, क्योंकि इतने बड़े वेब पेज को हम एक दिन, दो दिन, तीन दिन भी आप लगा सकते हैं। तो हम जब हैकाथॉन करते हैं तो हमारी इसमें कैपेसिटी भी पता चलती है कि आप कुछ चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, इतना सारा प्रेशराइज हो जाते हैं आप। तो हैकाथॉन में हम ये सारे मोस्टली बड़े बड़े टास्क करते हैं, और इन बिटवीन इन हैकाथॉन ऑल्सो वी आर डूइंग एनर्जाइजर। एनर्जाइजर मीन्स कि अगर जैसे आप हैकाथॉन कर रहे हैं 12 घंटे का, तो उन हैकाथॉन के अंदर आपको ये भी बताना, मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं स्टडी को लेके, कोडिंग को लेके, और पूरा वो पूरे दिन का सफ़र जो आप तय करते हैं हैकाथॉन में, उसको थोड़ा रिलीज़ करने के लिए हम एनर्जाइज़र करते हैं। सो एनर्जाइज़र हर 2-3 घंटे बाद या फिर 5 घंटे बाद कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप सुबह से आप हैकाथॉन कर रहे हैं और शाम दोपहर हो जाती है, आफ्टरनून में आप थक गए हैं, थोड़ा सा रिलीज चाहते हैं, दैट टाइम वी आर डूइंग एनर्जाइजर। सो इन ज़्यादा कुछ नहीं है हैकाथॉन में, बस आपको पहले से कैपेबल बनाते हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए, चीज़ों को परखने के लिए आप कितना पावरफुल हैं, चीज़ों को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे